तो गाइस क्या राधा कृष्ण का नेक्स्ट सीजन आ सकता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। हालांकि सभी को पता है कि अभी कुछ समय पहले ये शो जो है वो ऑफ एयर चले गया था और लास्ट एपिसोड इस शो का 21 जनवरी को टेलीकास्ट किया गया था। तो 2018 से लगातार ये शो चल रहा था, तो एकदम से क्या हो गया कि इस शो की टाइमिंग चेंज करनी पड़ी, क्योंकि ये शो 9 बजे आता था, उसके बाद 10 बजे आने लगा और जब शो बंद होने लगा तो 7:30 बजे आने लगा। तो ऐसा नहीं है कि शो की टीआरपी अच्छी नहीं आ रही थी, शो की टीआरपी अच्छी आ रही थी जब वो 9 बजे आ रहा था। लेकिन अगर शो के साथ छेड़खानी करोगे और टाइमिंग बदलोगे तो पब्लिक जो है वो डिस्ट्रैक्ट होने लगती है और रिमोट लेकर चैनल बदलती है, जिससे नतीजा ये होता है कि बाद में उस शो पर टीआरपी नहीं आती और शो हो जाता है बाद में बंद। तो आर्थिक तंगी की वजह से भी फिर भी शो ने काफी अच्छी हैप्पी एंडिंग के साथ इस शो को ऑफ एयर किया, जहाँ श्री कृष्ण के पैर में वो तीर लग जाता है और इस संसार से उन्हें मुक्ति मिलती है। तो ये सीन मेरे को बहुत ही मस्त लगा। फिर इसके बाद इस शो के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आते हैं, जिनका नाम है सिद्धार्थ कुमार तिवारी। हालांकि इस शो के बारे में तो बताते हैं लेकिन कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं करते कि इस शो का नेक्स्ट सीजन आएगा या फिर नहीं आएगा। लेकिन इस शो के फैंस को अभी भी इंतजार है कि शो का सीजन 5 बहुत ही जल्द आएगा, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी इस शो को वापस के आने की एक नए अध्याय के साथ। लेकिन इसके लिए हमें आप सभी का सपोर्ट चाहिए, ताकि आप सभी की आवाज हम सुना सके उस शो के मेकर्स को। तो यार इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जैसे शो के बारे में कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपसे शेयर जरूर करेंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।